अच्छा लोग बोलते ना कि जोड़ियां जो है भगवान बना के भेजता है। अच्छा भगवान भी सोचता होगा कि सारा कुछ तुम लोगों ने किया, लाइन जाके तूने मारी, लड़की के कॉलेज के बाहर तू घूमता रहा, आपस में सर फोड़ रहे हो, तो मैं बीच में कहां से आ गया। ऐसे घर में बच्चा हो जाए तो भी बोलते भगवान की देन है। भगवान फिर सोचता होगा कि सारा लेन देन तुम लोगों ने किया, मैं बीच में कहां से आ गया। अच्छा वैसे जोड़ियां बनाने में लेडीज जो होती है इनका हाथ बड़ा खुला होता है, बड़ी माहिर होती है ये। आप देखना कभी ऐसे बाजार में जाए ना साड़ी लेने, साड़ी के साथ ब्लाउज रख रख के ऐसे जोड़ियां बनाती है, घंटे लगा देती हैं साथ में, आया पति परेशान हो जाता है, एक ब्लाउज ही तो लेना है। इतना टाइम लगाते हैं, बीवी और भड़क जाती है, जितना टाइम मैं साड़ी खरीदने में लगा रही हूं ना, इतना तेरी फोटो देख के लगाया होता तो हमारी जोड़ी अच्छी होती। अच्छा हस्बैंड वाइफ अगर खुश हो ना, कहीं जा रहे हो रास्ते में तो कोई भिखारी आता है पैसे मांगने, तो 2 रुपए मांगे 10 देता हो, और अगर आपस में तपे हुए हो, लड़ाई होके निकली हो, ऊपर से आके भिखारी बोल दे कि आपकी जोड़ी बनाए रखे, तो आदमी पैसे नहीं देता, समझाने लगता है भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, चलो जाके काम धंधा किया करो, हटे कटे होके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, चलो निकलो से। अच्छा भिखारी अगर और ऊपर से बोल देना भगवान आपकी 7 जन्म तक बनाए रखे, फिर तो गुस्से में उसके कटोरे से उठा लेता है, हट हट निकल यहां से। अच्छा स्कूल में जो बैक बेंचर्स होते हैं ना नालायक, उन्होंने अपनी जोड़ियां बनाई होती हैं, पीछे बैठ के ना दोनों ऐसे छुप छुप के बैठे रहते हैं, वो टीचर उनको बाहर भी जोड़ी में निकालता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो दिनेश और पांडे ये हमेशा साइड में खड़े रहते थे, आज भी देख लो साइड में खड़े। कोई नई मुसीबत आई है, क्या हुआ चिंकी मिंकी? एक मिनट, गप्पू शर्मा, इनसे क्या पूछ रहे, मैं बताता हूं क्या हुआ है। क्या हुआ? इन दोनों बहनों ने मिलकर मेरे को लूट लिया है। वो तू खुद लूटने वाला आदमी, तेरे को किसने लूट लिया बे? गप्पू शर्मा, ये दोनों मेरे ढाबे पे खाना खाने के लिए आई थी। अच्छा, शुक्र मनाओ कोई तुम्हारे ढाबे पे आया, वरना चूहों के अलावा आता ही कौन है। आज आया मजा, आज तक तेरी सिंगल बेचती होती थी, आज डबल हो रही है, मजा आ गया, वेरी गुड। कप्पू शर्मा याद रखना, जो दूसरों का पजामा फटने पे हंसता है ना, उसका अंडरवर एक दिन ऐसी जगह से पड़ता फिर सारा जमाना हंसता है। ये अंडरवेयर के प्रोसीजर के बारे में तुम्हें किसने बताया बे? तो रुमाल का लंगोट बना के पहनने वाले आदमी। खैर इतनी खूबसूरत लड़कियां खड़ी, मैं तेरे पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्या हुआ चिंकी मिंकी, मेरे को बताओ। शर्मा जी, इस चंदू ने मुझे लूटा है। एक मिनट, किसको लूटा है, इसको के इसको? मुझे लूटा इसका पता नहीं। कपू शर्मा ये झूठ बोल रहे हैं, सच मैं आप बताता हूँ। हाँ। इनमें से एक ने मेरे ढाबे पे थाली ऑर्डर की है। अच्छा। पेट भर के खाना खाया, फिर बाथरूम का बहाना लगाकर निकल गई है। फिर दूसरी आई है, उसने भी पेट भर के शुरू से खाना खाया, लेकिन पैसे एक ही थाली की दे रही है। चिंकी मिंकी ये सही बोल रहा है? अरे थाली एक थी और खाने वाली मैं अकेली, तो पैसे भी एक ही दूंगी ना। पर ये तो कह रहा है एक थाली में तुम दोनों ने खाया। हाँ। मैंने तो अपनी थाली में खाया, इसका पता नहीं। बात तो ये ठीक कह रही। कपूर शर्मा मुझे एक बार बताओ, तुम मेरी तरफ हो इनकी तरफ हो? मैं सोनी की तरफ हूँ, तेरा मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही थाली के पैसे निकालो, निकालो 2500 रुपए। ओए, एक थाली के 2500? क्या था चिंकी मिंकी थाली में? पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काली दाल, पीली दाल, माकी दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी। बस बस बस, ओ तुम 6-6 इंच की हो, तुम लोगों ने इतना खाना खाया? नहीं, ये सब तो मेन्यू में था, थाली में तो सिर्फ खोया पनीर था, और उसमें भी पनीर नहीं था। हाँ तो वो खोया हुआ था ना, पनीर थाली में कहाँ से होगा? और तो और, मैंने इसे सोया सॉस मांगा, तो बोलता है वो तो सोया हुआ है, ऊपर से इसने खाना देने में पूरे 3 घंटे लगाए। सोया हुआ है? नहीं, इतना टाइम तो लगता है ना, ये कौन सा खुद बनाता है? ये कस्टमर को ढाबे पे बिठा के खुद जाके शादी में चुरा के लाता है। ओ, तुमने मुझे चोरी का खाना खिलाया। देखो मैं अपने हाथ से खाना बनाकर रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो एक थाली के 2500 रुपए कैसे हो गए बे? थाली अनलिमिटेड थी ना, लेकिन खाना तो जरा सा था। हाँ तो खाना जरा सा था ना, लेकिन प्राइस उसका अनलिमिटेड होता है।
2,500 रुपए निकालो नहीं तो चंदू पुलिस बुला लेगा। ओए पुलिस बुला लेगा चंदू, मोहल्ले की बात है, इधर रहने देना। तो एक काम कर, पुलिस को रहने दे, मैं पैसे दिलवा देता हूँ। पहले किसने खाया था ये बता दे, मैं पैसे दिलवा देता हूँ। एक मिनट को, खाना पहले तो उसने खा, नहीं नहीं एक मिनट को, इसने नहीं नहीं इधर आना, इधर इधर भी से। चंदू जब पता चल जाए तो बता देना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके बाय शर्मा जी, बाय बाय। कपू शर्मा यार, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है लड़कियां मुझे बेवकूफ बनाकर चली गई हैं? लड़कियां खूबसूरत हो ना तो बेवकूफ बन के मजा लेने का, समझ में आया? चलो चलो, अनपढ़ देखा, गर्म तंदूर, तंदूर गर्म ही होता है, ठंडे तंदूर का कोई क्या करेगा? क्या अपना काम कर जाके जग लेके आ गया, घड़ी तेरे को किसने दी बे? तो और उधर मैंने घड़े ही रखे हैं, सिर्फ ढाबे वाले घड़ियां भी रखते हैं। जाओ यार खत्म। अर्चना जी, अरेंज मैरिज तो आपने सुनी होगी जी, लव मैरिज भी आपने सुनी होगी जी, और भाग के तो आपने खुद शादी की है। खुद शादी की है, सच्ची है, सच्ची। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे शो पे जो गेस्ट आने वाले हैं ये अपनी नई फिल्म में लोगों की जबरदस्ती शादियां करवा रहे हैं, जबरिया जोड़ी बनवा रहे हैं। अच्छा। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में जबरिया जोड़ी की लीड स्टार कास्ट को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम एक्टर लाइक मी, माय फ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, और दूसरी है जिनका अभी तक मेरे पे क्रश है, प्लीज वेलकम परिणीति चोपड़ा। अरे वाह परी सिद्धार्थ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां इस ब्यूटीफुल कपल के लिए। परी तो पहले आ चुकी है नए सीजन में, सिद्धार्थ पहली बार आए हैं। बिल्कुल नया सेट, नया घर, अरे यहाँ कॉफी शॉप भी है, बहुत बिग बजट भी, हमने तो प्रोड्यूसर सलमान खान रखा हुआ है। अच्छा, वेरी बिग बजट। अच्छा ये जो बैक स्टेज में क्या सुन रही थी, क्या कि किसका किस पे क्रश है? That was true. कपिल वो दिन भूल गए जब मैंने तुम्हें राखी बांधी थी? तुम सैया नहीं भैया हो। पिछले अगस्त में तुम कहाँ थे जरा बताना, पिछला रक्षाबंधन के दिन? पिछला एक साल ना मेरे को याद नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो कोई भी कुछ भी बांध के चला जाता था, तो इसलिए फिर anyways, परी, it's just for fun, babes. Yeah, yeah. आज हम बताना चाहते हैं कि हमारी पिक्चर जबरिया जोड़ी के डायरेक्टर साहब बैठे हैं वहाँ पे। प्रशांत सिंह, इनकी डेब्यू पिक्चर है। Wow, congratulations, sir. तो ऐसे क्यों बैठे हो जैसे आपको भी किसी ने जबरिया बिठा हुआ है? रिलैक्स होके बैठो ब्रो, यू मेड अ वेरी गुड फिल्म, हमने ट्रेलर देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, कमाल का लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आराम से बैठो, आप जो खाना पीना मंगवाओ आप। आप लोग फिल्में बनाते हो तो हमारे एपिसोड बनते हैं भाई साहब। देख लो, आज तक हम लोग इतने दिनों से प्रमोशंस कर रहे हैं, प्रशांत कहीं पे नहीं आया, आज कपिल के शो पे आया तो आ गया यहाँ पे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जी, मेरी फैमिली मेरे साथ है यहाँ पे, मेरे माताजी, पिताजी, अच्छा मेरी बहन, अरे अच्छा सब आए। नमस्ते। और ये फिल्म से ज्यादा एक्साइटेड है कि हमें कपिल शर्मा शो पे जरूर जाना है। आंटी ने प्रीमियर का नहीं पूछा, आंटी ने प्रीमियर का नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि पिक्चर रिलीज कब हो रही है। अच्छा, उन्होंने ये पूछा कपिल का शूट किस दिन है। तो अब बताओ तुम्हारा क्रश है क्या? मेरा छोड़, आई थिंक आंटी का क्रश डेफिनेटली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। और कौन कौन आया सर? हाँ, मेरी बहन, ये पीछे आपके पापा हैं जी, फादर डायरेक्टर। यार पापा आपसे ज्यादा जवान लग रहे हैं। सर बधाई हो, बेटा कमाऊ निकला आपका। बहुत कम होता है आजकल, पांच पांच छह छह बच्चे पैदा होते, एक आध सही निकलता है, आपका पहला ही सही निकला। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माइक माइक दे दीजिए सर को। भूतपूर्व नौसैनिक। अरे सर, अरे वाह, नौसैनिक दुनिया घुमेला। दुनिया घुमेला घुमेला सर, नौसैनिक बात आपने टपोरियों वाली की है। थैंक यू सर, शुक्रिया, लव यू। थैंक यू सर। बस हमारी किस्मत में आदमी लिखे हैं, अंकल से ही मिलेगा ये, याद रखना ये बात। सिद्धार्थ एक बात बताओ, ये साइड वाला फैट कैसे कम होता है? ये हाँ, मैं इसको कहते क्या क्या बोलते हैं, लव हैंडल, लव हैंडल्स। आप लव को हैंडल नहीं कर रहे, पर इतना सारा प्यार आ रहा है आपके। मैं ना बड़ी कोशिश करता हूँ, योगा करता हूँ, सुबह 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। अच्छा, दो कटोरी आइसक्रीम खाओ फिर बाहर। ये क्यों?
आप कौन सी आइसक्रीम? शादी होगी यार। हाँ, इसीलिए मेरे परवाह भी नहीं है ना, मैं क्या फायदा अभी फिट हो भी जाए ना, क्या फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। एग्जैक्टली तो आप क्या, मैं ठोक रहा हूँ आइसक्रीम दबा के। आप कौन सी आइसक्रीम खाते जो आपका पड़ता ही नहीं है? आइसक्रीम नहीं खाता, ये नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। स्टार बनने का क्या फायदा फिर? मेरी दाल रोटी तो कहीं से मिल जाती है। आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद सकता है अब सिद्धार्थ, स्टार बनने का ये फायदा है। हाँ, ये मेरी सिंपल सी डाइट है सर। अच्छा, सी फूड। हाँ, सिर्फ देखना है। हाँ, सिर्फ देखना है। सी फूड डाइट। तभी मैं सोचूं ये सब हीरो लोग ऐसे तीखे तीखे मुंह वाले कैसे हैं। परिणीति को तो जब भी मिलता हूँ और ये रेजर होती जा रही है, इतनी शार्प होती जा रही है। परी, इससे ज्यादा कम मत करना अभी, थोड़ा सा फिर अगली बार आऊंगी मैं, दिखू ना, ऐसा होना चाहिए। हम कैसे जिंदा रहेंगे? राखी याद रखना, राखी याद रखना। एक बहन अमेरिका चली गई, दूसरी भाई बना रही है, हमारा तो काम ही खराब है, हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। वैसे आई नो यू आर हर्ट कि मेरी शादी होगी, पर लोगों को दिखाने के लिए आ जाना चाहिए था। हाय हाय हर्ट। वो तेरी जो बीवी है वो ज्यादा हर्ट है, वो अभी तक शॉक में है। चोपड़ा साहब, लेकिन आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आइए सिद्धार्थ परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। अच्छा, वैसे कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन सिद्धार्थ जो है इस फिल्म में जबरदस्ती करवा रहे हैं शादियां। एक तो आदमी की पहले वार्ड लगने वाली, वो भी मर्जी से नहीं। क्यों क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ, क्यों कर रहे हैं ऐसा, जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं आप? ये एक्चुअली इसका जो असली रीजन है वो दहेज की प्रथा की वजह से है। अच्छा, हमारे स्टेट में ऐसे रियल में केसेस हैं काफी, जब लड़की की तरफ से लड़के वाले दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं जी, और शादी की डेट फिक्स हो गई है और वो दहेज नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार इनको जबरिया उठवा लो। एक्चुअली तो उठा के कहीं फेंक देना चाहिए जो दहेज मांगते हैं, पर ये आपका बड़प्पन है, आप शादी करवा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, देखा, पुण्य का काम करा रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। अब पिक्चर आप देखेंगे कि इसमें क्या सही क्या गलत, और उसके बीच में हमारी जो एंटरटेनिंग लव स्टोरी है वो है जबरिया जोड़ी। आप सब ने ट्रेलर में देखा होगा, परी जो है इनको सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है। पूरे बिहार में कोई शरीफ लड़का नहीं मिला आपको। शरीफ लड़कों को भाई बोल देती, बदमाश लड़कों से आपको प्यार हो रहा है। क्यों बदमाश लड़के पे क्यों दिल आता है आपका? अब पिक्चर साइन की थी, स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था तो करना पड़ा। असल में तो मुझे बहुत अच्छे लड़के पसंद हैं, इसलिए तुम नहीं। तो दोस्तों चलिए फिल्म की बात करते हैं। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में जोड़ियों का बोलबाला शुरू से रहा है, जैसे धर्मपा जी या हेमा जी की जोड़ी हो या शाहरुख सर और काजोल की जोड़ी हो, आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में सबसे हॉट बेस्ट जोड़ी कौन सी है? आई थिंक दीपिका रणवीर। ना? हाँ कि ना? हाँ। तो जवाब दे रहे कि चिढ़ा रहे हो आप हमें? जब परी आती है, मैं और परी भी साथ में बड़े अच्छे लगते हैं टीवी पे। अपनी बीवी का नंबर दो यार, मेरे को बात करनी है उससे। मैं देती हूँ। हाँ, दो दो प्लीज मैम। हाँ, सिद्धू साहब का नंबर मिलाना जरा। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना सिद्धार्थ का एक डायलॉग है कि इस साल हमें एमएलए बनना है और हमारा फोकस जो है बिस्तर से ज्यादा जो है वो कुर्सी पे है। नाइस डायलॉग। कुर्सी के लिए एमएलए बनना जरूरी नहीं है। बड़े दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब थी और बड़े बड़े मंत्री कुर्सियां छोड़ गए। अब तो उन्होंने मंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी है। पता नहीं इधर ही कहीं नहीं नहीं बैठे भी हो कोई कोई। आई लव सिद्धू जी, आई मिस सिद्धू जी आल्सो। उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जनरली बोल रही हूँ। अच्छा, क्लियर कर दिया, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, सारी दुनिया ना ये सोच रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या बीजेपी आएगी, बीजेपी के जो फॉलोवर हैं वो चाह रहे थे कि वो आए कांग्रेस के। एक अर्चना जी थी जिनको ये था कि कोई भी जीते सिद्धू जी जीत जाए ताकि वो जीत के बिजी हो जाए उधर। परिणीति का एक डायलॉग है फिल्म में, अब हम अभय सिंह को उठाएंगे और जबरिया शादी करेंगे। हाँ। लड़की में डेरिंग तो है, जो लड़का लोगों की उठा उठा के शादियां करवा रहा है। हाँ। ये उनको उठाने की बात कर रही है। हाँ।
अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगी आप? बहुत मार पड़ने वाली है. मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करती. देखो ऊपर वाले, सैफ अली खान क्या आपके साथ सांड गांड करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है. ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे उठा ले. नहीं नहीं देखो, सब कुछ सेफ है. मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है. ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले, बस ये दूर से प्यार है. बस हमसे दूर वाला ही कर लो. हाँ अगले जन्म में सैफ अली खान बनना है. सिद्धार्थ, आपको मौका मिले, इन्होंने जिक्र किया उसी खानदान में एक छोटा तैमूर है. बड़ा क्यूट है वो. ऐसा मस्ती, he's too cute. एक दिन के लिए उसको उठा के फिर वापस. है तो बड़ा क्यूट वो. बहुत क्यूट है. पर मैं पूछ रहा था कि बीवी बनाना हो किसी को उठा के, तो उठा ले. हैं हैं बीवी को उठा ले. मतलब नहीं नहीं नहीं, बीवी अपने लिए. आपको उठ चुका है तैमूर, उठ चुका है, अब एक ही रह गई है बेबो. देखो मतलब अगर बेबो कहीं ऐसे अकेले में दिख जाए, हाँ अकेले कहीं मिले और मौका मिले तो उनको कुछ घंटों के लिए मारेगा ना. ये अनसेफ कॉन्वर्सेशन है ये. देखो गाइस, सिर्फ बेबो को उठाना चाहता है, मैं सैफ को उठाना चाहती हूँ, इसलिए वी आर द बेस्ट जोड़ी. ऊपर वाले तू हमें उठा ले, हमें कोई उठा नहीं रहा है. हम तो बस ये शूट के बाद पपीते उठाने लगे हुए हैं. कलिंगड़ उठा के उधर रख दिए, उधर से उठा के इधर रख दिए. परी तुम आई हो, ये मैं फ्रूट पूछना चाहता हूँ, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पेर. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाशपति. हाँ, नाख या नाशपति. अच्छा, पेंगुइन नहीं लग रहा है देखो. है ना, लंबी चोंच वाला. सारे फ्रूट ना पता नहीं कुछ ना कुछ लगते हैं ऐसे. जैसे ये हो गया, ये तो बड़ा ही अखड़ सा भाव वाला होता है. कितनी देर छीलो? इसको बताएंगे कपिल, ये बच्चा यादव लगता है. इंग्लिश में ये बता. ये पम पोमेग्रेनेट. वाह. अच्छा अच्छा, अब स्पेलिंग बता. स्पेलिंग नहीं, इसका मैं जूस निकाल सकता हूँ. स्पेल ऐसे ज्यादातर जो जुड़ियां बनती है आपस की अंडरस्टैंडिंग से बनती है. हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितनों को ये लगता है कि उनकी जो जोड़ी है वो जबरिया बनी हुई है? जी मैडम, विचार जानना चाहेंगे आपके. हेलो कपिल. हेलो सिद्धार्थ. हेलो प्रदीप्ति. हेलो. माय सेल्फ सुजाता. सुजाता जी, मेरे हिसाब से मैंने अपनी जोड़ी अंडरस्टैंडिंग से बनाई है, पर घर वालों के लिए वो जबरदस्ती का हो गया है. अच्छा, लव मैरिज हुई है? होने वाली है. होने वाली है नेक्स्ट ईयर में. अच्छा जी, वाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत. तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं एक बैड रिलेशनशिप में थी, मुझे सिर्फ एक कंधा चाहिए था रोने के लिए, टाइम पास के लिए. अच्छा. हाँ. तो एक बंदा था जो फ्रेंड था, उसको मैंने बातों बातों में प्रपोज कर दिया टाइम पास घूमने फिरने के लिए. तो फिर आपका वेरी गुड चोंच लड़ गई उसके साथ. चोंच लड़ी नहीं, वो शिप पर था और मैं यहाँ थी. वो शिप पे था? हाँ. क्यों, नेवी में? सेलर. अच्छा. और मैं आईएमओ पे उसको टाइम पास के प्रपोज किया, उसने अच्छे अच्छे गिफ्ट भिजवा दिए, तो मेरा माइंड फ्रेश हो गया वैसे ही. वाह सुजाता, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? आएगा कभी, आएगा. फिर सर्टेन टाइम बिताने के बाद मुझे लग रहा है कि ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव इन माय लाइफ. सो अभी डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर से शादी करना चाहती हूँ. वाह वाह. आप लोगों की शादी कब है? मोस्टली मई में. पेरेंट्स आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, बट आई हैव डिसाइडेड ऐसे करो वैसे करो, करना तो इसी से. जबरिया. हाँ, जबरिया. भागने का इरादा है? नहीं, भाग के नहीं. अच्छा. सर उठा के करेंगे, चोरी थोड़ी ना की. क्या बात है. वाह, अरे बेस्ट आंसर. क्या बात है. वाह. तो पहले बोलती हूँ सर उठा के करेंगे, जब फेरे हो रहे होते तब को सर झुका के बैठी रहती हो. वो तो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है ना, शादी के बाद असली रूप दिखाएंगे. तो भाई तुम उधर से निकल जाओ, ये तो इनका कोई और ही इरादा है. कहीं भी जाए, आना तो उनको इधर ही पड़ेगा. शुक्रिया. थैंक यू सुजाता. और कोई हमारे दोस्त जबरिया जोड़ी? जी भाई साहब.
जबरदस्ती किसके साथ हुई है? तो सर आपका नाम क्या है? तुलसी शर्मा। तुलसी शर्मा यार जी ने पिक्चर तो आज बनाई है, मेरे साथ तो 30 साल पहले ही ऐसा हादसा हो चुका जी। मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा जी। यहाँ बॉम्बे में आया था 30 साल पहले बड़े भाई साहब के साथ में। 6 महीने हुए पढ़ाई छोड़ के आया, थोड़ा बहुत उनके साथ सीखने चालू किया। क्या उनके साथ सर्विस उनका जो स्ट्रगल था वो ट्राई चालू किया था। अच्छा जी। उसी बीच में मेरे को दोस्त की शादी थी, राजस्थान चला गया। अच्छा जी। वहाँ पर पिताजी मामा जी बुजुर्ग लोग सब थे। अच्छा जी। दोस्त की शादी में मैं बारात में गया, पीछे से 2 लड़की वालों को उन्होंने बुला लिया मेरे लिए। अच्छा। मैं आया सुबह 3 बजे बारात है, सुबह 6 बजे मेरे को जगा के दिखा दिया। तो फिर मैंने बोला मेरे को तो अभी काम भी किया, पढ़ाई छोड़ी है, अभी कुछ भी नहीं है, 4 जोड़ी कपड़े भाई ने दिलाए, क्या करूं? हाँ जी। बोले हाँ कर लो, खाली बाकी हम कर लेंगे। 4 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं, एक ही जोड़ी पहननी है फिर शादी के बाद, तो वो भी शादी के बाद फिर हाँ कर लिया। 1 साल तक हमारी एंगेजमेंट चलती रही, उसके बाद में जबरदस्ती शादी कर दी शादी मेरी, तो आज तक साथ में ही है जी। आई साथ में आज है, साथ में है जी। कहाँ है? कहाँ है? यहीं पे है। ओह तो साथ ही थे, उनके साथ ही थे नी। यार कितनी प्यारी है, हंस रही है वो आपकी बातों पे। अब तो मेरे लिए भी प्यारी है, उस टाइम नहीं थी। He's amazing. क्या बात है। ये हमारे गुरु जबरिया जोड़ी। सर जी उस टाइम दीपिका जैसे तो नहीं थे, लेकिन जो भी हीरोइने थी 30 साल पहले मेरे भी सपने थे। तो आप भी कौन सा निक जोनस थे? अच्छा भाई सर जी एक बात बताइए, अब तो शादी हो 30 साल हो गए हैं। हाँ जी। बच्चे भी आए हैं आपके साथ में? 2 बच्ची है, नहीं लेके आया यहाँ पे, मालूम नहीं। अच्छा शादी आपकी चलो जबरदस्ती हो गई। हाँ जी। बच्चे तो मर्जी से हुए ना? 25 साल पहले 2 पर ब्रेक कर लिया था, तीसरे होने ही नहीं दिया। अच्छा तो बच्चे जो है पहले 5 साल में 2 हो गए? 7 साल में, 7। 7 साल में। हाँ जी। बाकी 23 साल? बाकी 23 साल मजे। क्या बात है, क्या बात है। मैडम से भी बात कराइए जरा, वो इनकी इच्छा है करे नहीं करे। मैडम नमस्ते जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। भाई साहब तो बड़ा हंसाते हैं, आपको भी हंसाते हैं घर पे? जी घर पे नहीं है, इधर पहली बार ही हंसे इतना। ये कपिल और कपिल का शो अच्छे अच्छे को हंसा देता है। हमें तो इन्होंने हंसाया आज बहुत। आपको पहली नजर में पसंद आ गए थे? नहीं मैंने देखा ही नहीं था। तो फिर हाँ कैसे कर दिया आपने? वो घर वालों ने कर दी, क्या है। अरे तो मतलब शादी होने के बाद देखा उनको? हाँ मैंने शादी होने के बाद देखा। तो जब आपने इनका घूंघट, इन्होंने आपका घूंघट उठाया तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? जब आपने आंखें मिली आपस में तो क्या बोला इन्होंने आपसे फिर? कुछ नहीं, नाम पूछा मेरा। नाम भी नहीं पता था? वो भी नहीं पूछा था। तो फिर क्या दूसरी बात क्या बोली? एक तो नाम पूछा, फिर क्या बोलते? और कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद मतलब अपना यार। तो सर काम क्या करते हैं आप? टेक्सटाइल ब्रोकरेज का काम है जी, कपड़े के कमीशन का काम है जी। मुंबई में ही है? मुंबई कालवा देवी मार्केट। अच्छा जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब हेलो सर। हेलो कपिल सर। सर मैं जबरदस्ती तो नहीं हुई लेकिन करवा रहे हैं घर वाले जबरदस्ती शादी मेरी। करवा तो मैं क्या है, 3 महीने हो गए मुझे घर से, मैं मतलब मुंबई आ गया और वो घर वाले रोज मुझे फोन करते हैं, रोज बोलते हैं आज ये देखने जा रहे हैं, आज देखने इसको जा रहे हैं, उसको जा रहे हैं। कहाँ है आपका? राजस्थान से हूँ, जयपुर से। सर शादी क्यों नहीं करना चाहते आप? सर मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। तो वो कहाँ रहती है? मुंबई में। वो अपने नासिक। वो क्यों नहीं करना चाहती आपसे शादी? आई डोंट नो, उसको पसंद नहीं होगा मैं, और क्या। परी और सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट कराए नासिक वाली को। हाँ। हो सकता है। प्यार करते हैं आप उनसे? सच्ची सच्ची। अरे वाह,
शायद आप दोनों रिक्वेस्ट करें तो मान जाए। बिल्कुल। उनका नाम क्या है? सर नाम अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैजान खान। फैजान, यस। तो फैजान खान जी की दोस्त मिस एक्स, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप प्लीज इनसे बात करें, इनको एक मौका दें। ये आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे आके बोल रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। एंड देखो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या आपसे डरते हैं, दोनों में आपका फायदा है। प्लीज एक बार इनसे एक लंच पे चले जाइए, ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट। आप खुद उनको क्या बोलना चाहेंगे, एक मैसेज देंगे उनको? बोलो। यही बोलना चाहूंगा, अगर वो मुझसे, अगर थोड़ा भी उनको मेरे से प्यार है तो देन वो मेरे को बोले, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही जी लूंगा। क्या बात है भैया, so sweet। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। उनकी खुशी में मेरी खुशी है। और इसी बात के अंदर मैंने उसका नाम भी बोल दिया। अच्छा, वाह वाह वाह। उसी की खुशी में मेरी खुशी है। उसका पति तो आपका पति नहीं ना हुआ वो? नहीं नहीं नहीं, ये बात जाके मना लो उसको, अगर नहीं बात बनती वो बात की बात है, लेकिन अभी मौका नहीं छोड़ना, पता क्यों? फिर बाद में रोते रहते हैं ऐसे यार लोग, इधर नाम लिखवा लिखवा के। फैजान, ऑल द बेस्ट। या गुड लक। या थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छे इंसान है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर, मेरी शादी हो गई जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। अच्छा। मम्मी डैडी ने बोला लड़का अच्छा है, शादी कर लो। तो लड़का अच्छा ही निकला बाद में? सुनो आगे। अच्छा। डांट पड़ी है कभी ऐसे ऑडियंस से? मैं तो उनका सोच रहा हूँ जिनके साथ ये ब्याह है। हाँ जी मैडम, फिर आगे क्या हुआ? 86 में शादी हुआ, 87 बच्चा हुआ। अच्छा जी। लड़का हुआ? अच्छा जी। बोला लड़की चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने 88 में और एक लड़का पैदा किया। अच्छा। और मेरे साथ में आया है। अच्छा जी। बोले लड़की चाहिए। अच्छा जी। तो और अगले साल और एक बेटा पे हुआ मुझे। तो तीन लड़के हो गए। अच्छा, बेटी नहीं हुई? बेटी नहीं हुई। अच्छा जी। मैं बोला बस अभी स्टॉप कर दो। उनको सच्ची बेटी चाहिए थी कि ऐसे ही? चाहिए थी ना। चलिए, तो ऊपर वाले की माया, ऊपर वाले की मर्जी थी। मैं बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल। तो फिर भाई साहब आए नहीं साथ में? नहीं आए हैं ना। अच्छा। कहीं नहीं आते। चलो जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे तो आए हैं। तो बच्चे भी नहीं आए साथ में? आए हैं ना, एक बेटा आया है साथ। क्या में दो नंबर का बेटा है मेरा। दो नंबर का? दो नंबर का। आपका क्या नाम है? अनिल शाह। अनिल, आपकी मम्मी इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी बातें करती हैं ना, बड़ा मजा है आपके, आपसे बातें करके। थैंक यू वेरी मच। दो नंबर का बेटा है। हाय फनी, हाउ आर यू? I'm fine, drama queen. Thank you. मुझे लगा मैं थी, लेकिन अब नहीं, शायद आप ही रहोगे, always original drama queen. Hi Siddharth, how are you? Very good. Hi Kapu, कैसा लगा मेरा dance? ये क्या था ये? ये dance था ये? ये परी का step है, correct? ये क्यों किया था वैसे ये? वाहियात हरकत जो की है आपने? अरे A, guest को entertain किया, B, show के level को उठाया मैंने Kapu. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा तुमने show का level उठाया है? देखो हम 5-6 साल से कमा रहे हैं, वो आ जाएं, उनको कमाने दो थोड़ा। क्यों बंद कराने पे तुली शो? इतना गंदा स्टेप ये बाबा जी का। आप ही का तो है। बाबा जी मर गए होंगे ये स्टेप देख के। कपू, शुक्र मनाओ कि मेरी ऐसी बड़ी एक्ट्रेस तुम्हारे साथ काम कर रही है। ओके एक्ट्रेस? यस, ये होती एक्ट्रेस। हाँ। तेरे जैसे मैट्रेस होते स्टेशन पे मिलते हैं। 1200 के 4, साथ में तकिया फ्री। एक सेकंड, 1200 के 4 मैट्रेस कहाँ मिलते? वो जिनके बच्चे सुसु करते थे सेकंड हैंड बेच देते। सिद्धार्थ, आप प्लीज मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, क्योंकि इसकी वजह से मेरा ग्रोथ रुक चुका है यहाँ पे। ग्रोथ तेरा रुका आयोडीन की कमी की वजह से। अच्छा नमक लाया करो घर पे। आपने एक ऐड की थी ना परी? हाँ। कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?
इनके नमक में भी नमक नहीं है, इनका नमक भी खट्टा, खा के उल्टी आती है। अरे ग्रोथ हमेशा हाइक की नहीं होती, करियर की भी होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो तुमने रोक दिया है। तू बड़ी प्रियंका चोपड़ा ना, तेरा करियर रुका हुआ है, उधर जाके तेरी निक जोनस वेट कर रहा था। बाय गॉड, अपने आप को ए खबरदार, मेरे से बात नहीं करी इससे। हां छोड़ो इसलिए कपूर, अगर निक जोनस ने भूरी की अदाएं देख ली ना, वो भी फैन बन जाएगा। तुमसे ना बात ही नहीं करनी सिद्धार्थ, मैं आपसे बात करने आई हूँ। मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा और आप लड़कियों की मदद करते हैं, बिल्कुल है ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। यहाँ हमारी सोसाइटी में ना एक चंदू है, अच्छा। हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, हाँ। प्लीज पीछा छुड़वा दो प्लीज। क्या करना है? परेशान कर रहा, उठवा रहा है उसको। हाँ। हेलो सिद्धार्थ, हाय परी। हाय परी, क्या था बे? मालकिन बोल। क्या सुश्री परिणीति चोपड़ा जी, ये बोलो यार, जब भी मैं इधर आता हूँ आप मेरी ग्रूमिंग क्लासेस लेने शुरू कर देते हो। ग्रूमिंग के बारे में तेरे को किसने बताया नया? सुश्री परिणीति चोपड़ा जी, ठीक है यार, मैं तो इनको कार्ड देने के लिए आया था, शादी का कार्ड। कौन सा कार्ड है? तुझे कार्ड के बारे में किसने बताया? तुम लोग तो बिना बनाए घुसने वाले लोग हो। लेकिन जब से आपने घुसना शुरू किया हमने छोड़ दिया है। अपने घुटने को बनियान पहना, कितना गरीब घुटना भरा। ये ब्रॉड माइंडेड है। इतना गरीब घुटना मैंने नहीं देखा। क्यों बोला सीधा परी? मैं इनको प्यार से परी कहता हूँ। तू उनकी चाची है, प्यार से परी बोल रहा। हाँ हेलो परी, तो ऐसे बोले जैसे उनके मोहल्ले में रहता है। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, जिन्होंने जीजा निक जॉनस रखा हूँ मोहल्लों में नहीं रहती। अपग्रेड योर सेल्फ। ऐसे लोग आपको पता है जहाँ लग्जरी फ्लैट्स में रहते हैं या बंगलोज में रहते हैं? किसके किस में रहते हैं? बंगलोज में। बंगलोज इसका कोई कसूर नहीं है, इसने कुछ खाया नहीं, ये केले खा, खाएगा ये ले, इजी है फॉर्मेट, इसको खाली इसको नंगा करना है, खा लेना। नहीं कभी खाया नहीं तो इसलिए बताना पड़ता है। हाँ ये खा लो, खाना इजी है, निकलता थोड़ा मुश्किल है। और मेरी बात सुनो, ये मोहल्ला मोहल्ला क्या होता है? मोहल्ला वो होता है जहाँ तुम रात को वॉचमैन बन के जागते रहो बोलते रहते हो। अच्छा देखो, रात को भी मुझ पे ध्यान रहता है इसका। और बुरी और मुझे हाँ कर दो, फिर दोनों मिलकर रात को जागते रहो किया करेंगे। कपू अपने दोस्त को समझाओ तुम। दोस्त का क्या मतलब? उधर उसका ढाबा है, चंदू ढाबे वाला, बोलो उसको। कपू शर्मा, हाँ चंदू की दोस्ती से मुकर गए तुम? तुम्हें पता है लोग हमें बाहर जय वीरू की जोड़ी कहते हैं। ये बात अगर किसी ने सुनी ना, एक साइड से बच्चन साहब ने थप्पड़ मारना, दूसरी साइड से धर्म बाजी ने, और आगे पीछे सनी देओल और अभिषेक बच्चन। तेरे को समझ में नहीं आएगा सॉरी किसको बोलूं। हाँ तो ये है थप्पड़ के लायक सिद्धार्थ, यही है, प्लीज इसको समझाइए, जबरन मतलब पीछे पड़ा हुआ है। सिद्धार्थ सर, दरअसल मैं आपको बात समझाता हूँ। हाँ जी, दरअसल मैं करता हूँ भूरी को प्यार, अरे वो भी बेशुमार। अच्छा, और ये करती है इनकार, अब आप ही बताइए सरकार। हार में जाए ऐसा यार, मुंह देखो जैसे खट्टा डकार, इससे करूंगी मैं प्यार। देखिए ये आ गया जवाब, आ गया भैया, देखिए कभी सम्मेलन में थप्पड़ खा के आए हुए कभी हो। निकलो यहाँ से, तुझे पता है इधर मैं नंगा केला खा रहा हूँ, थोड़ा मुंह उधर कर ले। नंगा केला खा नंगा केला। देखिए भैया, जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता है, हाँ। सिवाय हमारी पिक्चर। नहीं, तो जबरिया इनसे प्यार करने की कोशिश मत करिए। जबरिया करना पड़ेगा, सहमति से कौन करेगा? यहाँ से जाने का क्या लेना आपने? धक्के वगैरह लोगे या गालियां वगैरह लोगे? यार हर एपिसोड में आपका मेन्यू सेम ही रहता है। कभी कुछ नया ऑफर कर दिया करो, धक्के गालियां। हेलो परी, यार एक मिनट रुको, ये ले छिलका, इसमें केला डलवा लेना। ये किसके ब्लाउज की तूने जैकेट बनवाई है? अपनी तरफ से सिद्धार्थ मल्होत्रा बन के आया ये।
ऊपर से दुपट्टा ले लिया तो नीचे भी सलवार पहन ही लेता। और जाओ यार मैं अच्छा बात नहीं। अच्छा सुनो सुनो सर बैठ बैठ जा। नहीं वैसे मेरे दोस्त में गुण बड़े वैसे इसमें बैठ बैठ। अच्छा बताइए क्या लेके आए सिद्धार्थ सर। हाँ जी एक मिनट घुटना नंगा हो गया परी जी। सिद्धार्थ जी पीछे भी तेरा क्लीवेज दिख रहा है। सिद्धार्थ सर पर प्लीज इसको समझाइए कि सारी चीजें सारे गुण नहीं मिलते सभी लड़कों में। अरे तो एक आध गुण तो मिलते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? ढाबे का मालिक मैं हूँ, हैंडसम मैं हूँ, लाइक सिद्धार्थ हैं। अरे ये तारीफ कर रहा है, गाली दे रहा है। हम कैमरा बंद कराते हैं, आपको पीटना तो पीट लो। ये ना बरसातों में ना इसके दिमाग में पानी भर जाता है। हाँ जी फिर वो पानी हम हरियाणा को भी सप्लाई करते हैं। कभी कुछ सोच समझ के बोला करो यार। अरे तुम सोच समझ के बोला करो। कहाँ सिद्धार्थ, कहाँ तुम? सिद्धार्थ ने करण जौहर के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली थी और तुम कटोरे के साथ एंटर करते हो। तो जब सामने तुम्हारे जैसा चिल्लर होगा तो मैं कटोरे के साथ ही एंट्री करूंगा। पाइनएप्पल उठा के मारना तुम्हारे सिर पे मुझे आज। तेरे से उठाया नहीं जाएगा। तुमसे ट्राई करूं? मेरी बात सुनो, तुम दोनों मिलके एक भिखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज क्यों नहीं लॉन्च करते? अब क्या करें? और ये तेरी कुछ लगती तो नहीं, मेरे को शक्ल बड़ी मिलती है। और तुम्हारा बॉडी इससे मिलता है? इट्स गुड फॉर हेल्थ। खाली पेट खाओ, पेट भर जाता है। बुरी मुझे हाँ कर दो वरना ऐसा ना हो शादी वाले दिन तुम्हें वो उठा कर ले जाऊं। परिणीति ऐसे लड़के होते हैं जो शादियों में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी उठाते हैं और कुछ नहीं। इनकी तो मैं हरकतें नहीं बताता। ये दो ये क्या करता है? ये शादियों में जाते हैं तो घोड़ी को बातों में लगा के उसके चने खा जाता है। घोड़ी कैसी बात? देखो बात कैसी सोची है कि मैं पहले शादी पे जाऊंगा फिर घोड़ी से बातें करूंगा। हाय घोड़ी बाट साहब। वाओ हाउ इज घोड़े पापा? ठीक है लगाम बहुत अच्छी तुम्हारी, कहां से डलवाई? घोड़ी कहेगी और मैं उसके चने खा जाऊंगा। वाह कपूर शर्मा वाह। घोड़ी कहेगी यू क्या था ये यू? ओ मेरी एक्टिंग देखकर तुम मुझे बोलो मुआ तुम यू कर रही हो। देखो चंदू यू निकला तुम्हारी चने वाले बात पे, तुम्हारी एक्टिंग पे तो यक निकलना बनता था। देखो चाहे यू निकले चाहे यक, आज मैंने सबके सामने तुम्हें उठाकर जबरिया जोड़ी नाम बना ली तो मेरा नाम भी चंदू नहीं। ओ तुम्हारी नाम चंदो 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 चंदो। मतलब लोग इतना खुश हो रहे हैं इसकी मैंने माँ की दाल ना बना दी ना तो मेरा नाम भूरी नहीं माँ की दाल। अब भूरी मैं तो डैडी का भरता बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो। खैर भूरी ओ अपने आप को मेरी दुल्हन मान लो वरना। परिणीति आपने फिल्म में दूल्हा उठाया था ना? हाँ आज इसको दुनिया से मैं उठा दूँगा। क्या बात है, नीचे करो इधर मेरी बात। ओए इधर, तुम वही हो ना जो मूछे लगाकर हाईवे पे ट्रक लूटती हो? जी नहीं, वो मेरी बॉस है। कौन? अर्चना मैम। अर्चना जी इतने बड़े शो की आप जज हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ओए चंदू। हाँ जी। वो कपिल। हाँ जी। वो जो कुछ बोलता है ना उसके नाम पर तो ये शो है, तो मैं चुप रह जाती हूँ, तू कुछ बोलेगा ना? मेरी बात सुनो अर्चना जी, ये कैसी बात है? जब कपिल बोलता है तो आप बिल्कुल लेडीज की तरह कितना अच्छा हंसती हैं। हाँ तो उसके मेरे टाइम आप डाकू जोरावर सिंह बन जाती हैं। ठीक है सर, आपने मेरी हेल्प नहीं की इस बार सर, कोई बात नहीं। देखिए वो आपसे प्यार ही नहीं करती हैं, क्या करें आप। ओके भाई आपने फोर्स किया थोड़ा सा, सैनिटाइजर लाके दे उनको हाथ धुलाओ। फोर्स किया? एक्सक्यूज मी, नो मींस नो। हां अच्छा जब लड़की नो कह दिया तो उसका क्या मतलब होता है? बस यही सब होके अपनी दिहाड़ी हो जाती है। अच्छा सिद्धार्थ कितना शरीफ लगता है चेहरे से,
लेकिन हमें एक खबर पता चली है उड़ती उड़ती yeah. कहते कि 9th क्लास में लड़कियों के चक्कर में फेल हो गए थे. Really? सिद्धार्थ इज इट ट्रू? Actually that's true. 9th में फेल तो जरूर हुआ था. अच्छा. बट उसका एक फायदा हुआ कि मैं ऑल बॉयज स्कूल में था. अच्छा. और 9th में जब मैं फेल हुआ तो आगे बढ़ने के लिए मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा. अच्छा. और वहां पे कोएट हो गया तो स्कूल एक साल आगे भी बढ़ गया और फिर साथ में लड़के बैठते थे वहां लड़कियां आ गई. तो फिर आगे पास हो गया मैं 10-11 बार. बहुत अच्छे संस्कारी हैं हमारी. परिणीति ने एक मूवी की थी हंसी तो फंसी. तो परी आप इतना हंसती हो कभी फंसी क्यों मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती आज मेरा सांडू निक जोनस होता. ये तो निक जोनस के पीछे बड़ा हुआ है सांडू. देखो यार इसको निक से मिलाओ यार इसको किसी को कोई नंबर नंबर दो इसको कोई फेस टाइम कराओ. मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं अंग्रेज क्या बोलेंगे आप निक से? क्या बोलेंगे? चिल चिल है. हां क्या बोले अगर निक से मिलेगा तो क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा फिर मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें. अच्छा परी लेकिन सीरियसली कभी लड़के ना होते थोड़े शरारती होते हैं ऐसे ही गलत मतलब ले लेते हैं कभी ऐसा हुआ? आप हंस रही हैं प्यार से जैसे आपकी ऐसे बबली सी नेचर है खुश रहती है परी. आई लाइक हर वेरी मच. कभी ऐसा हुआ किसी ने गलत मतलब निकाल लिया हो कि हंस रही है परी ऐसा गलत फहमिया हो गई हो किसी लड़के को? नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबकी दोस्त बन जाती हूँ. एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते. लड़कों की भी एक लड़का और लड़की एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. प्यार प्यार मैम ने सवाल पूछा था. व्हाट इज लव? प्यार क्या है? व्हाट इज लव? दोस्ती. लव प्यार दोस्ती इज फ्रेंडशिप. या प्यार व्हाट एन एब्सोल्युटली मैम की लाइन. ब्यूटीफुल थॉट. लवली तो या यू आर डूइंग इट टू मी. मैम की लाइन है. लेट्स हियर इट. क्या सीन है वो? लेट्स हियर इट फॉर द ओरिजिनल मिसेस ब्रिगेंजा. Miss Braganza. Miss Braganza. Never became Mrs. only. वो सिर्फ एक अनुपम सर के वो आपने बहुत टीज किया पिक्चर में फिर उनका दिल तोड़ दिया. वैसे अर्चना जी जब आपने ये बोला था ना अनुपम खेर साहब को फिल्म में उसके बाद से उनका पतीला चमकने लगा. आपको पता सिद्धार्थ की लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. सब पसंद करते हैं लड़कियां थोड़ी होता ही है. हैंडसम हीरो है पॉपुलर है सुपरस्टार है ऐसा. अच्छा गिफ्ट भी बड़े आते होंगे ये तो पक्की बात है. हाँ. कभी ऐसा कोई अजीब सा गिफ्ट मिला है आपको किसी फीमेल फैन के द्वारा? मुझे एक्चुअली कुछ साल पहले किसी ने एक छोटे से बॉक्स में एक गिफ्ट आया था फैन की तरफ से. अच्छा. तो उसमें चिट्ठी भी थी. चिट्ठी जब मैंने खोली और पढ़ी तो पता चला कि वो फीमेल फैन है कोई यंग सी लड़की. अच्छा. उसने कहा कि ये मेरा पिलो है मैं इस पे सोती हूँ. अच्छा. मैं चाहती हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें. अच्छा. चाहे कि ऐसे लगे कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे सो रहे. और उसने प्रूफ करने के लिए पीएस लिखा था कि यस यही है मेरा पिलो प्रूफ. अच्छा. एक बाल का टुकड़ा. ओ लॉर्ड. बाल झड़ते होंगे लड़की के. उसने काट के तो नहीं दिए झड़े हुए दिए मेरे को उसने. क्या बात है यार कैसे कैसे खुराफाती आइडिया लगाते हैं. अच्छा परी मैं ये सोच रहा था मैम जैसे परी है या हमारी इंडस्ट्री की और भी एक्ट्रेस हैं जैसे दीपिका हो गई करीना हो गई इनको कभी ऐसा लगता है जैसे पिंपल हो गया दाद खाज खुजली ये इनके लिए बने ही नहीं है ये हमारे जैसे लोगों के लिए बने. पर आप कभी सीरियसली आप लोगों को कभी गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है? देखो हमें एक्टिंग करने के बहुत पैसे मिलते हैं तो हम बहुत अच्छी एक्टिंग कर जाते हैं. अब आप समझ लो. अच्छा मैंने ये देखा लड़कियां ना बूढ़ी भी हो जाए ना उसके बाद भी वैसी रहती हैं हीरोइन है ना. आदमी लोग 60-65 के बाद तो फिर किसी के बीच में बैठे हो ना महफिल में और सुनाइए शर्मा जी है ना. मेरे एक दादाजी के दोस्त थे वो ऐसा करते थे वैसे दादाजी थे. पता नहीं उस एज में ये भी होता होगा कि अब क्या फायदा. श्योर ये दादा की स्टोरी है ना. अरे सिद्धार्थ जैसे बड़ी अच्छी फैमिली से है सिद्धार्थ आपको कभी बाल तोड़ हुआ है? नहीं हीरो को भी जानना चाहता हूँ. है क्या सवाल पूछता है यार? मेरे खुजली बाल तोड़ बिल्कुल स्पोर्ट्स खेलते हुए. तो बाल तोड़ को क्या बोलते हैं अमीर घरों में?
क्या बोलते हैं? You and I don't know. Nick Jonas से पूछना पड़ेगा. हाँ, Nick Jonas. It's a boil. I think it's a boil. Yeah. Boil. Is it a boil? Yeah. I think. Hair raising boil. इनका बाल तो भी खूबसूरत हो जाता है. Boil. Google करो कोई guys. It's a half boil. Wow. ये जो दाद खाद खुजली है ना, ये हमारे सिलेबस में लिखी हुई है. अच्छा आप देखना, गर्मियों में घमोरियां और सर्दियों में बहने वाला जुकाम. अच्छा घमोरियां भी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे आपका हाथ ही नहीं पहुंचता. आदमी यूं ही करता रहता है, पहुंचता नहीं पूरा. मैं जानती हूँ ये सब जो ये दूसरों के नाम ले रहा है, ये सब इसकी खुद की कहानी है. ये सब खूबियां हाथ में है. ये दादाजी से जो शुरू हुई हुई स्टोरी थी. देखिए आदमी अपनी जिंदगी से सीखता है. कपिल, हम सबको मालूम है परी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं उनको बड़े पसंद है. परी मैं आपको ना एक टास्क देता हूँ. हम आपको ना कुछ एक्टर्स के नाम बोलेंगे. हाँ. आपको बताना कि आपको उनको कौन से गैजेट के साथ आपको कंपेयर करना है. ओके रेडी. सबसे पहले शुरू करते हैं सिद्धार्थ से. सिद्धार्थ मल्होत्रा. सिद्धार्थ मल्होत्रा है स्मार्टफोन. स्मार्ट है ना, गुड लुकिंग. Very nice answer. रणबीर कपूर. रणबीर बहुत कूल है, कंपोज्ड है, हमेशा शांत रहता है. एसी. ओह एसी. एसी. ओके गोविंदा. गोविंदा गोविंदा सर के साथ मैंने एक फिल्म भी की है. तो हमेशा हिलते रहते हैं, बहुत एनर्जी होती है, बहुत कॉमेडी को घुमाते हैं. तो मिक्सर ग्राइंडर. मिक्सर. वेरी नाइस. वरुण धवन. वरुण है बैटरी. वो खुद एक बैटरी है. चार्ज कर देता है सबको. चार्ज कर देता जेनरेटर. है वेरी नाइस. जेनरेटर है. फुल ऑफ एनर्जी. हाँ. रणवीर सिंह. ओह ये जेनरेटर है. रणवीर होना चाहिए मेरे हिसाब से पॉपकॉर्न की मशीन. क्यों? वो ऐसे ऐसे उछलता है ना हमेशा पॉपकॉर्न की तरह. अच्छा मैंने जितनी बार भी अर्चना जी की तरफ देखा ना, सिद्धार्थ एक पीछे लड़की बैठी हुई बड़ी खूबसूरत. हां अब की टी-शर्ट पे लिखा हुआ है आई लव यू सिद्ध. या जस्ट ओ स्टैंड अप स्टैंड अप. वाओ उधर. अच्छा उधर तो और भी हैं. हैं? ओ वाओ. हाय हेलो. सो स्वीट. जिंदगी आपकी, हम तो हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो करने आए. They just want to meet you. Yeah, yeah, of course. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. नहीं. So sweet, lovely. So nice to meet you. How are you? Yes, of course. How are you? So sweet. Love the T-shirt. Huh? You okay? Lovely. I hope ये खुशी के आंसू हैं. Thank you so कितना much, couple. प्यार करती है देखो. एक आप वो आई भी कैसे छोटा चिकन नहीं आता जैसे. That's so sweet. All of you are cousins. Lovely. Girls. Thank you so much. Girls, you आपको अच्छा लगा ना सिद्धार्थ को मिलके? हमारे शो में मिली हैं आप, देखो निकालो हजार हजार रुपया. हाँ जी माइक माइक ले लो. कहाँ क्या बोल रही है? इसलिए हम आपका ही शो प्रेफर करते हैं हमेशा. अरे So sweet, thank you. So sweet, thank you, girls. Bye bye, bye bye. Thank you. Don't cry. Be happy. Yeah. I'm so happy that we finally met. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shukriya. Aaiye Siddharth. Aaiye Pari. Aaiye. Kapil, मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक T-shirt बनवाओ. मेरी बहना चाहिए. मेरी बहना परी. भाई आपको पांच मिलके गई. करोड़ों बाहर है. आपको एक ही. मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ. आप उस पे बहना ले. आप तो शादी शुदा हो यार. उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? डबल सिम वाले मोबाइल भी तो आते ही हैं. बदमाश. हमें कभी नहीं ऐसी लड़कियां मिली जिन्होंने टी-शर्ट पे नाम लिखवाया. हमें मिलते मोटे मोटे आदमी. आप टीवी पे आते ना. हम भी वैसे, हमारे मिलने वाले भी वैसे. पर शुक्रिया आपके प्यार के लिए. अच्छा जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनके बारे में बड़ी ऐसी अफवाहें छपती रहती हैं कहीं ना कहीं, कोई फिल्म मैगजीन में या न्यूज़पेपर में.
हम आपसे कुछ कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ अफवाहें सुनिए सिद्धार्थ परी आपके बारे में। कहते हैं कि सिद्धार्थ जब आप भूखे होते हैं तो आप किसी को भी खाने को दौड़ते हैं, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इज इट ट्रू? एक्चुअली इट इज पार्टली ट्रू। मेरे को जब भूख एक चीज जब मुझे लगती है तो मेरा मूड चेंज हो जाता है। मैं खाने खाता पीता पंजाबी लौंडा हूं यार। तो अच्छा ये भी खाते हैं, इनका दिखता नहीं, हमारा पंजाब दिखने लगता है बाहर। परिणीति आपके बारे में सुना है, अच्छा बड़ा अच्छी अफवाह सुनी है कि आप पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है। अच्छा हाँ, मैंने क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड तोड़ा था उस साल का। क्या बात है, तो मैंने 97% 97%, वाओ परी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, 97%। इतने तो हमारे दोनों भाइयों को मिलके नहीं आए। वो बैठा 33 33, टोटल 66, डैडी के भी मिला लो तो 97। वाह यार सिद्धार्थ, ये अफवाह कि आपको गन्स और रिवॉल्वर से खेलने का बड़ा शौक है। मुझे एक्चुअली बचपन में मेरे डैड गिफ्ट उन्होंने किया था मुझे, होम अलोन पिक्चर देखी आपने? हाँ। उसमें वो होम अलोन पार्ट 1 में वो कैसे उन दोनों चोरों को ऐसे डराता है एक पैलेट गन से, तो वो सिमिलर गन मेरे पिताजी लाए थे मेरे लिए। अच्छा। और मैं बहुत अटैच था उसके साथ। पर एक दिन जब आई थिंक काफ़ी 6-7 साल बाद मेरा बड़ा भाई जो है उसने किसी लड़की के प्यार में उसके भाई को वो गिफ्ट कर दी। ओ, गिफ्ट कर दी, मुझे लगा कुछ और कर दिया। नहीं नहीं, तो मेरे को बिना बताए, तो हमारी से बहुत लड़ाई हुई थी। बट जो शौक है गन का या शायद हीरो बनने का, एक्शन करने का, बचपन से कहीं से निकल रहा है। हो भी रहे सपने पूरे, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। परिणीति आपके बारे में अफवाह है कि आप लोगों के नेल्स देख के उनको जज करती हैं। ये कैसे पता? इज इट ट्रू? तुम्हारे बहुत पहले चेक हो चुके। बेसिकली बहुत अजीब चीज है जो मुझे मेरी डैड से मिली है। कि जब भी मैं किसी को पहली बार मिलती हूँ तो मैं हमेशा उनके नेल्स देखती हूँ। तो मेरे डैड ऐसे बोलते थे कि नेल्स अगर पूरे हों और अच्छे से हों तो उसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो आधे होते हैं तो उनपे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाइजीनिक मतलब? नहीं होते एक तो पहली बात तो। आधे? हाँ, आधे मतलब वो यू नो छोटे से नेल्स होते हैं बहुत ही, कुछ लोगों का वाइट है ना, चबाने का नहीं। दिखा, दिखा। मैंने कल ही काटे, मेरे पूरे थे। गुड गुड, पास, अप्रूव, पास। तो ये बहुत ही अजीब चीज है। तो हमेशा मेरे जो आसपास के लोग हैं और मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा बोलते हैं इसके नेल टेस्ट में क्या हुआ। अच्छा। इनका नहीं, फेल हो गया। तो पता चल जाता है कि ये इंसान मेरा दोस्त शायद नहीं बनेगा। अच्छा, इंसानों को इतना जज करती हूँ, पानी पूरी वाले के इतने इतने बड़े होते हैं, उनसे पानी पूरी खा लेती हूँ, वो तब जजमेंट कहाँ जाती है आपकी। अच्छा सिद्धार्थ, आपके बारे में अफवाह है कि आप लड़कियों के रेजर से छाती के बाल साफ करते हैं। ये कैसी अफवाह है? पता नहीं, अफवाह है तो आपसे कंफर्म कर लेते हैं यार। अच्छा दादा, किससे बात? ये फिर से कपिल ने खुद के बारे में बात बोली है, फिर ये से। कहीं तुम्हारे दोस्त या दादा के दोस्त ऐसा तो नहीं? हाँ, ये वो ही। कोई मैं तो इस बात पे रहा हूँ कि लड़कियों का रेजर कौन सा होता है, ऐसे वाला होता है। पिंक कलर का लिपस्टिक लगा के आता है, गुलाबी रंग का होता है, आई थिंक यही फर्क होता है उसमें, है ना? आपको कैसे पता लड़कियों के रेजर के बारे में? ओके, बड़ी सारी अफवाहें हैं एक्चुअली। कहते हैं कि परिणीति अपने घर पे सीलिंग फैन नहीं लगाती है, इनको डर रहता है कि आपके ऊपर गिर जाएगा, इज इट ट्रू? हाँ, ये सच है। आपके साथ ऐसा? नहीं नहीं, कभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे जो ऊपर पंखे लगे होते हैं मुझे उनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो घूमेंगे और मेरे पे गिर जाएंगे। क्या लग रही हैं आप? अरे थैंक यू, आपके ऊपर गुलदस्ता और बागीचा और क्या क्या है ऊपर? आओ ना बागान में कभी फिर। अरे परिणीति, आपने तो कमाल ही कर डाला। हाँ। आपने नमस्ते इंग्लैंड की, हाँ, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गए। काश नमस्ते इंडिया खेला रहता, कम से कम फाइनल तक तो जाते हम लोग। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, जोरदार ताली। अभी जो पिक्चर आ रही है इनकी सुपर हिट है, जोरदार ताली हो जाए, मस्त प्रोमो आएगी।
ये क्या है? मैं अभी फोन लगेगी करण जौहर को आपका चुगली करने का है मेरे को। गाएगी? अभी बताती है सब। उनका रिंगटोन एक मिनट। हेलो हाँ करण, हाँ जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा इधर वो आपका स्टूडेंट ऑफ द ईयर है ना, उधर गुंडा बन के बैठे ले। हाँ क्या करने। अच्छा सर थैंक यू थैंक यू। ये करण सर दिखने में सॉफ्ट है, गालियां बहुत हार्ड देते हैं। पढ़ी खैर मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, देखिए आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे उसमें। हाँ जी। तो फिर उसके बाद नौकरी विक्री क्यों नहीं की आपने? इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हो। हाँ तो फिल्में तो जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन बाद में शादी विधि भी करने का है ना। करेक्ट। लड़की का बाप पूछेगा लड़का क्या करता है, तो क्या बोलेंगे? हीरोइन लोग के पीछे भागते रहते हैं ऐसा। मैं सच्ची बोलती हूँ, अपना कोई अच्छी सरकारी नौकरी देखो ना रेलवे में, तो आपको ना मेरे जैसी लड़की भी मिल जाएगी मस्त एकदम। अच्छा ये आप रेलवे में, आप सिर्फ प्लीज देखो ना रेलवे में क्यों, मतलब सरकारी रहता ना लंबा रहता है वो, लंबा टाइम तक चलता है ना नौकरी उसका। अच्छा ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। साथ में परी बैठी है। ये कितने डब्बे हैं? तुम जैसे को घास कौन डालेगा? मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैं इनसे ज्यादा लॉयल है। कैसे कैसे? अभी अजय सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पिक्चर कर रहे, कल पवन मल्होत्रा के साथ पिक्चर करेंगे। अभी पिछली बार अक्षय कुमार के साथ प्रमोशन पे आए थे, अभी अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा के साथ आएंगे। लॉयल्टी किधर है मेरे को बताओ? सही, बहुत बढ़िया। करेक्ट बोली, इनसे ज्यादा लॉयल मैं है। मैं सैटरडे संडे टीवी पे आती है, सिर्फ इसके साथ आती है और किसी के साथ नहीं आती। ये क्या जबरिया जोड़ी है। बहुत अच्छे। वैसे दिल से एक बात बोलूं, बहुत लोगों के साथ आके देख लिया, कुछ उखाड़ी नहीं पाई। क्यों अर्चना जी? मैं अकेले नहीं, आप भी मेरे साथ में। परी की तो मैं बहुत बड़ी फैन है। इशक ज़ादे पिक्चर देखी ली, मेरे को बहुत मजा आया। थैंक यू। उसमें वो जो ट्रेन में सीक्वेंस था ना, रुकी हुई ट्रेन में जो इनकी गाड़ी चल रही थी, मैं तुम्हें रेल में तो बड़ा लगाव है। सच्ची बताओ, मेरी जो सिटी निकली है, मेरा उधर छावा है मुकेश, नाला सुपारा में मैं रहती है। अच्छा। मेरा छावा, वो भी ऐसा डब्बा ढूंढता रहता है, ट्रेन का मिलता ही नहीं है किधर। तो हर जगह मुकेश को बीच में क्यों ले आती है? हाँ तो तू भी तो अपने दोस्तों को बीच में लेके आता है, उसका क्या? परी मैं सच्ची बता, इधर इधर से इसका वो चंदू का ढाबा, एक दोस्त इसका उधर गिटार पे बैठे ला है, ये देखो इसका अशोक भाई बैठे ला है, पीछे इसका जीजा खड़े ला है, सबने तो घेर के रखे ला है। सच्ची बोलू, इसका पूरा परिवार बिठा के रखता है इधर, मेरा एक सुपरस्टार मामा एक बार भी नहीं बुलाया उसको इसने। चीची भैया। अर्चना जी आप ज्यादा ताली नहीं बजाना। हाँ मैं सच्ची बोलती है, आप सिद्धार्थ से थोड़ा बच के रहो। क्यों? ट्रेलर नहीं देखा आपने? हाँ। इन्होंने पिक्चर में बोले लाए, हाँ। हमारा फोकस बिस्तर से ज्यादा कुर्सी पे है। है ना? अरे वो उनकी कुर्सी नहीं यार। हाँ। वो उनकी नहीं है, सबको मालूम है, किसी और की। अच्छा मेरा जो छावा है ना मुकेश, आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा। आपको देखकर वो भी जिम जाता है। जिम जाता है? हाँ वो परसों जिम गया ना, दो डंबल उठाया उसने, हाँ फिर चार आदमी उसको घर पे लेके गए उठा। चना रात को पानी में भिगो के रखो ना, हाँ। चना सुबह उससे ज्यादा फूल जाता है, इतना छोटा है। हे सपना, हो गया तेरा? नहीं अभी 4:30 मिनट हुआ, 1 मिनट और बाकी है मेरा। कहना टाइम पूरा नहीं करो तो सोनी टीवी वाले पैसे काट लेते हैं। इधर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, हाँ। टीवी चैनल वाले रहते, किसी के सगे नहीं रहते। अभी 1.5 घंटे हमारा शो आता है ना, उसके बाद ये लोग क्राइम पेट्रोल चलाते। और फिर क्राइम पेट्रोल खत्म होता है ना, फिर सुपरस्टार सिंगर कोई शो आता है वो चलाते।
अभी बिचारी अपनी वो शिल्पा शेट्टी कितनी मेहनत की सुपर डांसर में, क्या टीआरपी देती, शो बंद कर दिया इन लोगों ने। इन लोग का क्या, इनको चार अच्छे डांसर मिलते तो सिंगर लोग को हकाल देते, फिर चार अच्छे सिंगर मिलते तो डांसर लोग को हकाल देते, ऐसा रहता है। लेकिन जो भी है, हम लोग को कभी हकाल ही नहीं सकते ये लोग। पूछो क्यों? हमारे शो में वैरायटी है, हमारे शो में सिंगर है, एक्टर है, डांसर है, आप क्या है? क्या? नहीं मैं अपना शो बहुत लंबा चलने वाला है। स्कूल गई होती ना, ढंग की बातें करती है। क्या स्कूल स्कूल बोलता है? हाँ तो मैं बहुत रीडिंग राइटिंग है, समझा? वो क्या मतलब? रीडिंग राइटिंग मैं पढ़ी लिखी है, तेरे को खुद नहीं मालूम मेरे को क्या पूछते रहते। और आपको मालूम है मेरी फेवरेट बुक भी है। कौन सी? मैं लाई है साथ में। हैव यू रेड अबाउट इट? बताइए। चेक बुक। आप इस पे साइन करके दो ना मेरे को। इसमें तो 1 करोड़ लिखा हुआ है। हाँ तो अभी धोखे से ही मांगे कि कोई देता है क्या मेरे को 1 करोड़ से भी? ये इनका शो हिट है, इतने सालों से चल रहा है, इनसे मांगिए। तू साइन करके देगा? यही है हमारे, हमारे नाम पे। हाँ। 1 करोड़ का इनाम। ये पक्का मेरे को फाड़ के ही देने वाला है चेक। मालूम है, इससे अच्छा तो मैं बधाई मांग लेती किधर जाके। तो 1 करोड़ मिल जाता। अच्छा आपसे मेरे को रिक्वेस्ट था। हाँ। अभी प्रियंका दीदी और निक भैया का जब बेबी होएगा ना क्यूट सा, तो मेरे को बोलना मैं उधर बधाई मांगने के लिए आएगी। ओके निक जो ना जेब से चिल्लर भी फेंकेगा ना, तो डॉलर में कम से कम 1 करोड़ तो आएगा मेरे हाथ में। एक काम कर, तू ना थोड़े दिन आराम कर, जा घर चली जा। हाँ तो घर में जा सकती है, लेकिन इधर प्रॉब्लम बहुत होता है, बहुत कंफ्यूजन है हमारे सेट पे। अभी जब पैकअप होता है, मैं उस दिन गाड़ी में बैठी, गाड़ी वाला मेरे को मॉडलैंड लेके चला गया, बोलता अर्चना जी आपका घर आ गया। मैं उसको कितना समझाई, मैं अर्चना नहीं है बाबा, मैं नहीं है। अपना प्रॉब्लम क्या है, जब शाम को मेकअप निकालते हैं दोनों एक जैसे लगते हैं। चलो ये तो प्रॉब्लम हो गया, अब कल की बात है। मैं गाड़ी में बैठी, फिर मेरे को मैं डेलेन ले गया, अर्चना जी आपका घर है। चलो ड्राइवर गया तेल लगाने, परमित मेरे को हाथ पकड़ के कमरे में ले गया। परमित मेरे को ले गया, मैं परमित को हाथ जोड़ के बोली मैं अर्चना नहीं है, तो कहता है तभी तो तेरे को अंदर लेके आया हूँ। ऐसा बोल। हाँ। अच्छा मेरे को ना आप नाला सुपर में 2 दिन के लिए लगेंगे। मैं लगूंगा? हाँ। ये क्यों लगेंगे भाई? पता है क्या है? हाँ? एक तो आजकल बारिश बहुत आ रही है। हाँ, तो मेरे पास छाता भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? और उधर गरम गरम पकोड़े मिलते बहुत महंगे। महंगे? अरे तो समझो ना। हाँ तो एक छाता और ये चेक भेज दूंगा। आओ ना उधर चल के थोड़ा मलोतरा मलोतरा करते। अरे देखो इसको छोड़ो, हमारी जोड़ी बन चुकी है इनके साथ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको मसाज देगी। मेरा पार्लर है, वी हैव पार्लर है, वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। हां जी। हमारा मसाज है आपके लिए स्पेशल, कपूर एंड सन मसाज। इसमें क्या? उसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर कपड़ा उतारते और तेल की जगह कपूर लगाते हैं उसकी बॉडी। और सन कहाँ होता है? वही बता रही है। फिर कस्टमर भड़क जाते, बोलते ये क्या है, तो मैं उसको ऐसा जोर से चमाट मारती, सन से आवाज आती। पर एक और मसाज है। हाँ। हमारे पास आलू पराठा मसाज। ओ, इसमें क्या? हाँ, ये थोड़ा सा अभी आप एक्सप्लेन करेगी, समझना पड़ेगा। हाँ। अभी पंजाबी टाइप मसाज है। हाँ। इसमें पंजाबी में क्या, दोस्त को प्रा बोलते हैं, ठीक है, और टॉयलेट को लू बोलते हैं, करेक्ट। तो हम प्रा को रेडी करते, तेल लगाते, बोलते हैं आलू में प्रा। और फिर ठा करके मसाज करते थे आलू पराठा। फिर आपके दीदी के लिए, प्रियंका दीदी के लिए, मैं फैन है उनकी। हाँ। तो मेरे को उनके लिए हॉलीवुड मसाज है मेरे पास। हाँ, इसमें क्या? इसमें क्या, कपड़ा उतारते, कस्टमर को तेल लगाते हाँ। और वुड पे लिटा देते हाँ। और फिर उसका हॉली हॉली मसाज करते। ये बहुत अच्छा मसाज है। फिर हमारा
बॉलीवुड मसाज भी हम लोग के पास। इसमें भी कस्टमर को लिटाती होगी वुड पे और क्या? तेरे को तो सब पता, तू भी आया करना मसाज करने। उसमें वुड पे लिटाते हैं, लेकिन ट्विस्ट क्या है, फिर वो वुड जो है हम लोग ऐसा रोड पे रखते हैं, फिर उसकी बोली लगाते हैं, 500 का एक, 500 का दो। फिर जो सबसे ज्यादा पैसा देता है फिर वही उसके मसाज करता है। हाँ ऐसा रहता। अच्छा मैं चलती है अभी, मेरे को ना दीपक का तिजोरी साफ करने जाना है। एक बार परी और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आइए अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का, जो लेंगी अर्चना जी। वाह क्या तस्वीर है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच परी। जब भी आते हैं इतनी एनर्जी आती है शो में, इतना मजा आया आज आप दोनों से बातें करके, इतना अच्छा माहौल बना था।